इतनी गर्मियों में कच्चे आम से बने कोई भी चीज़ शरीर को बहुत ही ठंडक पहुंचाता है, चाहे वो शरबत हो या चटनी। तो आज हम बनाएंगे कच्चे आम की चटनी और कच्चे आम का ढोकला, बहुत ही टेस्टी होता है खाने में। तो नमस्ते, मैं हूं नंदना और आपका स्वागत है माई होमली लवली कुकिंग में। तो आइए देखते हैं। तो मैंने यहाँ 3 कच्चे आम ले लिया, उसको छील के छुरा के रखे, काट के रखे, अब उसको पीसना है। तो पहले कच्चे आम डालने के बाद डाले 2 हरी मिर्ची और 1/2 इंच के करीब अदरक, फिर इसका एक पेस्ट बनाएं, फिर 2 कटोरी में उसको आधा आधा करके रखेंगे। तो देखिए 2 कटोरी में उसको रखे। अब एक बोल में मैंने यहाँ 2 कप सूजी लिया और उसी कप के नाप से लिया 1 कप दही, फिर दही के साथ सूजी को अच्छे से मिलाएंगे। पहले ढोकला बनाएंगे। तो आप सूजी और दही जब अच्छे से मिल जाए, जो कच्चे आम का पेस्ट रखे थे उसको डालें। डालने के बाद थोड़ा सा पानी डाल के इसका एक बैटर बनाना है। तो धीरे धीरे पानी मिलाते जाएंगे और इसका एक स्मूथ बैटर बनाएंगे। अब उसको रेस्ट करने के लिए 15-20 मिनट रखे। 15-20 मिनट बाद सूजी अच्छे से फूल गया है। आप डालें थोड़ा सा नमक, बैटर थोड़ा सा ठीक लग रहा है इसलिए थोड़ा पानी डालें और 1 टीस्पून डालें इनो। इनो डालने के बाद अच्छे से मिलाएं। अब एक बोल में थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करके बैटर को डालना है। ढोकला आज इडली स्टैंड में बनाएंगे, तो स्टैंड में थोड़ा सा पानी डाल के एक स्टैंड बिठा के उसके ऊपर रखिए। अब ढक्कन ला के गैस का आँच धीमा करके 20-25 मिनट तक रखेंगे। तब तक चटनी बना लेते हो। तब चटनी के लिए 1/4 टीस्पून ऑयल में डाले राई और थोड़ा सा कड़ी पत्ता। जैसे ही खुशबू निकल आए तब आम का जो दूसरा बोल में पेस्ट बना के रखे थे उसको डालना है। अब चीनी डालना है, तो मैंने यहाँ 4 टीस्पून चीनी डाले, थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा पानी, अच्छे से मिलाए। तो चटनी बनके तैयार हो गया है, उसको ठंडा कर लेते हैं। अब तब तक ढोकला ही बनके तैयार हो ही गया है, देख लेते हैं। तो देखिए कितना सॉफ्ट जालीदार ढोकला बनके तैयार हो गया है। अब इसको काट लेते हैं। बहुत ही सॉफ्ट बनके तैयार हुआ है और खाने में बहुत ही टेस्टी। ये आम के ढोकला के साथ आप नॉर्मल जो ढोकला का चटनी होता है उसके साथ भी अच्छा लगता है, और मैंने जो बनाई आम की चटनी उससे ही बहुत ही बढ़िया लगता है खाने में। और ये आम की चटनी दाल चावल के साथ भी बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना। बाय।